देश भर के साथ ठाणे जिले के मीरा भाईंदर शहर में कोरोना वायरस का खतरा दिन ब दिन बढ़ रहा है। शहर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 2,269 के पार जा चुका है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे इनके आह्वान के बाद ठाणे ओवला माझीवाड़ा के आमदार प्रताप सरनाईक इन्होंने ठाणे के साथ मीरा भाईंदर शहर के शिवसेना की सारी हंडिया रद्द करने का निर्णय लिया है। दही हंडी में खर्च होने वाले रकम से कोविड 19 के मरीजों के लिए और गरीबों के लिए मुफ्त दवाई देने का निर्णय भी यहां पर लिया गया है। आइए देखते हैं पूरे निर्णय के बारे में आमदार प्रताप सरनाईक क्या कह रहे हैं। मीरा भाईंदर शहर में जो कोरोना की महामारी हो रही है उसको देखते हुए हमारे पार्टी ने मीरा भाईंदर शहर में जितनी भी दही हांडी या थी वो दही हांडी रद्द करने का निर्णय आदरणीय मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे साहब ने जो हमें आह्वान किया उसको प्रति आदर रखते हुए हम लोग वो कार्यक्रम रद्द कर रहे। मगर साथ ही में दही हांडी के लिए जो भी राशि हर साल खर्च हो जाती थी पूरे पार्टी की ओर से तो करीबन 1,00,000 करोड़ रुपया खर्चा हो जाता था हमारे मुंबई और ठाणे शहर में। हमने तय किया कि 1 करोड़ रुपए की दवाई जो हमारे गरीब मीरा भाईंदर शहर के और ठाणे के लोग हैं उनको दी जाए शाखा तिथि दवाखाना के माध्यम से, और साथ ही में हर घर में एक सैनिटाइजर, एक मास्क और एक आर्सेनिक एल्बम की बोतल ऐसे हम एक किट हर घर में दे देंगे ताकि लोगों को दवाखाने में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कार्यक्रम पूरा हमारा उदय जी के जो जन्मदिन है 27 जुलाई को तब तक रहेगा। कोरोना नामक महामारी के समय में प्रशासन से होने वाली लापरवाही पर भी आमदार प्रताप सरनाईक ने भाष्य किया है। आइए देखते हैं उनकी राय। दिन ब दिन जो कोरोना महामारी बढ़ रही है तो प्रशासन के लोग भी इतनी ध्यान नहीं दे रहे हैं, ऐसा मुझे बहुत सारी कंप्लेंट आई है। टेम्बा हॉस्पिटल में भी बराबर सही तरीके से पेशेंट का इलाज नहीं हो रहा है। कोरोना के पार्श्वभूमि पर शहर में अधिकतर अस्पतालों में मरीजों की लूट किए जाने के आरोप भी आमदार प्रताप सरनाईक द्वारा किए गए हैं। आइए देखते हैं कि वह क्या कह रहे हैं। कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जो गरीब पेशेंट है उनके पास से भी 2,00,000, 3,00,000, 4,00,000, 5,00,000 रुपए का बिल लेते जा रहे हैं। लोग हैरान परेशान है। मैंने कमिश्नर साहब को भी बोला है और खत भी लिखा है कि जो भी ऐसे गलत तरीके से पैसे लोगों से हड़पते हैं उनके ऊपर गुनाह दाखिल होना चाहिए। अभी तक कमिश्नर ने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, मगर फिर भी आज मैं कमिश्नर से वो बारे में बातें करूंगा। प्राइवेट अस्पतालों में की जाने वाली लूटमार पर कार्रवाई न किए जाने पर शिवसेना स्टाइल में आंदोलन करेंगे, ऐसा भी सरनाईक द्वारा किया गया बयान। कमिश्नर को कार्रवाई करनी पड़ेगी, शासन के माध्यम से भी मैं कार्रवाई करने का उनको आदेश दिला दूंगा, मगर फिर भी अगर नहीं हो गया तो शिवसेना स्टाइल में मेरे को खुद को जाके वहाँ पे आंदोलन करना। इसी के साथ मीरा भाईंदर शहर में और ठाणे जिले में एम्बुलेंस की व्यवस्था भी करने की घोषणा आमदार प्रताप सरनाईक द्वारा की गई है। सभी शहर वासियों को एम्बीलाइव न्यूज की ओर से यह आह्वान है कि जीवनावश्यक वस्तुओं के खरीदी के लिए ही सिर्फ घर से बाहर निकले और सभी नियमों का पालन कर अपने घर पर सुरक्षित रहें।